अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सबका दिल से थैंक्स, क्योंकि मेरे 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का थैंक्स। और यहाँ पर जो भी सुबह का टाइम था, मैं अपने लिए बना रही थी सेवैयाँ। अच्छा, जब सेवैयाँ आती है ना तो मैं एक ही साथ इनको भून के रख देती हूँ, फिर जब भी बनानी होती हैं तो थोड़ी सी मैं उठा के बना लेती हूँ। मैं पतली दूध वाली सेवैयाँ बनाने लगी थी क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है, खांसी और गले में दर्द हो रहा था। तो फिर जी मैं दूध वाली पतली जो है ना सेवैयाँ बना के खा रही थी। बस इसके अंदर मैंने इलायची डाल के दूध को बॉईल कर लिया था, उसके बाद जी इसके अंदर भुनी हुई सेवैयाँ डाल दी हैं, साथ में जी इसके अंदर मैंने बादाम और काजू डाल दिया था। काजू और बादाम ना मुझे सेवैयों में अच्छा लगता है, वैसे ना मुझसे काजू नहीं खाया जाता, लेकिन मैं खीर या कुछ भी इस तरह की दूध वाली चीज़ बनाऊँ ना तो उसमें डाल देती हूँ, फिर अच्छा लगता है। साथ ही मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी है, मतलब गुड़ डाला है, चीनी इसके अंदर मैंने नहीं डाली है। वैसे मैं तो विदाउट चीनी ही खा लेती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को भी खिलानी थी तो इसलिए मैंने फिर इसके अंदर जो है ना गुड़ डाल दिया था। इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है। जब भी गला ख़राब होता था ना हमारा बचपन में, खांसी बहुत ज़्यादा लगी होती थी, तो फिर अम्मी इस तरह दूध वाली पतली व जो सेवैयाँ होती हैं वो बना के देती थी, बारीक वाली। मेरे पास तो यही पड़ी थी, मैंने फिर यही बना ली थी पतली दूध वाली। और बस इनको गर्म गर्म आपने पीना है, इससे आपका गला जो है ना वो खुल जाता है, काफ़ी गले को रिलैक्स मिलता है ना इससे। तो बस ये मैंने तो गर्म ही गर्म खा ली थी, और बच्चों के लिए फिर मैंने थोड़ी सी ठंडी खा ली थी, फिर बच्चों को भी खिलाई थी, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी खांसी और फ्लू लगा हुआ है, और बच्चों की वजह से ना मम्मा और पापा को भी लग गया है। खैर जी, यहाँ पर मैं बच्चों को अभी सेवैयाँ खिला रही थी। शाहजहाँ तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता, थोड़ा एक दो बाइट ले ले, लेकिन छोटा जो है ना शायान वो खा लेता है। मैंने जी ऑर्डर किया हुआ था कोकोनट वाटर, और साथ में ये बॉक्स ऑर्डर किए थे तो ये भी मेरे आ गए थे अभी, मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, 2 मैंने कोकोनट वाटर मंगाए थे, पहले तो मैंने बच्चों को पिलाना होता है, उसके बाद जो है ना अभी मैं पीने लगी थी। एक जो है ना वो दोनों भाई पी लेते हैं और एक जो है ना मैं पी लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किए थे, फ्रिज में खाना रखना होता है तो ये काफ़ी काम आते हैं। मेरा फिर ये है कि मैंने जब भी फ्रिज में कुछ थोड़ा सा भी बचा होता है ना तो वो बॉक्स में डाल के रखती हूँ, या फिर उसको कवर करके रखती हूँ अच्छे से। ऐसे प्लेटों में खुला खाना या कुछ भी मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और फिर इस तरह जो है ना आपकी फ्रिज से भी स्मेल आती है। तो ये जी इनकी ऑफर चल रही थी, 18 धर्म के थे, इसमें 5 बॉक्स है ना, तो मुझे अच्छे लगे फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना ये काफ़ी किचन में यूज़ आते हैं, कुछ हमने चीज़ें मैरिनेट करनी होती हैं उसमें भी काम आ जाते हैं, इसके अलावा फ्रिज में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं तो उसमें भी ये काफ़ी काम आते हैं। इससे पहले भी कुछ दिन मैंने मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बल्कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, तो वो जो है ना अभी पुराने भी हो रहे थे, और फिर मैंने ना आज ये वाले ऑर्डर कर दिए थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और इनमें स्पेस भी काफ़ी थी अंदर चीज़ें रखने के लिए, हम कुछ भी ज़्यादा सारा बना के रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इसका जो मटेरियल था ना वो भी अच्छा है। मेन जो मुझे टेंशन थी ना कि पता नहीं कैसे होंगे, सस्ती इसकी ऑफर चल रही है कि अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट निकले थे। साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा था, और ये 5 थे, मतलब 2 बड़े साइज़ के थे और 3 जो है ना वो छोटे थे, तो काफ़ी अच्छे थे। अक्सर ये होता है ना इस तरह के हम बॉक्स लेके आए तो उनके जो ढक्कन होते हैं ना ऊपर, उनका इशू होता है, वो नहीं लगते हैं, साइज़ छोटा बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल ही आराम से सारे पर आ गए थे। साइज़ भी अच्छा था और प्राइस के हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसके अलावा क्या है कि आजकल मैं प्रॉपर वैसे भी व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को जो स्टिचेस लगे हैं ना उसके ऊपर पूरी आंख रखनी पड़ती है, फुल तवज्जो जो है ना वो मेरी उसकी तरफ होती है। खैर से वो ठीक हो जाए ना, उसके बाद मैं फिर अपने प्रॉपर व्लॉग शूट भी करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बस जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं साथ साथ क्लिप लेती रहती हूँ। अभी जो मुझे करना था किचन क्लीन, क्योंकि किचन मेरा काफ़ी गंदा और काफ़ी मैसी हो रहा था, तो मेरे जब भी होती है ना किचन क्लीन स्टार्ट तो मैं ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले ऊपर के जो कैबिनेट होते हैं ना उनको क्लीन करती हूँ, उसके बाद जी फिर नीचे काउंटर पर, और काउंटर से फिर जो नीचे के कैबिनेट होते हैं उसको क्लीन करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को बिल्कुल भी नहीं थकाना चाहिए। मैं इसी तरह से जो ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं ना कैबिनेट उनको क्लीन करती हूँ, या फिर ऊपर से स्टार्ट करती हूँ और फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो दिन जिस तरह मुझे टाइम मिलता है ना तो साथ साथ फिर मैं क्लीन करती रहती हूँ। इस तरह से अच्छे से किचन भी आपका क्लीन हो जाता है और आपको ज़्यादा थकन भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फिर एक ही दिन सारे काम निकाल लेते हैं कि आज किचन क्लीन करना है तो पूरा किचन क्लीन करना है, सारे काम छोड़ के उधर ही लगे रहना, फिर खाना बनाओ, फिर बच्चों को देखो,
तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मैंने अपनी यही एक रूटीन बनाई हुई है कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ, साथ में कुकिंग होती है, बाकी काम भी करने होते हैं, तो एक ही दिन मैं कभी भी किसी काम को नहीं खोलती हूँ, नहीं छेड़ती हूँ कि पूरा ही मुझे आज करना है। नहीं, जो ज़्यादा मैसी हो रहा होता है ना कैबिनेट, तो उसको मैं हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है। एक एक दो दो करके सारे कैबिनेट को मैं क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर नीचे का जो है ना वो भी इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। इस तरह से किचन भी क्लीन हो जाएगा और मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। बच्चों के साथ साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग करता है ना आजकल, वो है जी ये हमारा मिठू। हमने इसका नाम तो कोई भी नहीं रखा, बस जब से आया इसको मिठू मिठू बुलाते हैं, तो बस अब इसको पता भी चल गया है। जैसे बोलो ना मिठू तो भाग के आता है, इसको खाना भी देना हो ना तो भाग के आता है, और मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना हर काम में बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेता है। बच्चे अब मुझे तंग नहीं करते हैं, बच्चे अब उनको कुछ समझाएं बोलें तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन ये जनाब जो है ना फुल अब मुझे तंग करता है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना जब मैं काम में बिजी होती हूँ, तो फिर मैं इसको पिंजरे में बंद कर देती हूँ, काम वगैरह करके ना फिर इसको मैं निकाल देती हूँ। और जब पिंजरे में भी बंद करें ना तो फिर भी इसका दिल बड़ा उदास हो रहा होता है, शोर कर रहा होता है कि मुझे निकालें, फिर भी अच्छा नहीं लगता कि इसको पिंजरे में बंद करें, लेकिन कभी कभी मैं बंद कर देती हूँ। खैर जी, अंदर से मेरे सारे कैबिनेट जो है ना मैंने क्लीन कर लिए थे स्प्रे के साथ, और बाहर से भी सारा मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अच्छा, इतनी देर तक मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़े। जब भी मुझे फील होता है कि ना बस अभी इनको क्लीनिंग की ज़रूरत है, ये वाला कैबिनेट गंदा हो गया है या ऊपर से गंदा हो गया है, तो मैं हाथ के हाथ ही इनको क्लीन करती रहती हूँ, इस तरह काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस ये ऊपर से मैंने सारा क्लीन कर दिया था, उसके बाद ना मैं आधा एक घंटा छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है ना फिर सारी चीज़ें अंदर रखती हूँ। तो इसके अंदर जी मैं बिछाऊँगी ये वाले पेपर, और पेपर से क्या होता है कि नीचे फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता, हर बार मैं बस पेपर निकाल के चेंज कर लेती हूँ और फिर अच्छे से जो है ना सारा क्लीन करके चीज़ों को वापस रख देती हूँ। सारे जो मसाला बॉक्सेस थे ना इनको मैंने वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद जो है ना बस इसको मैं अंदर रख दूंगी। मसाला बॉक्सेस भी इस तरह से मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ, स्पाइसेस जार जो होते हैं ना, जो भी इसमें स्पाइसेस ख़त्म होता है फिर उस जार को मैं अच्छे से वॉश करके ना तो दोबारा उसके अंदर वो चीज़ डाल के रख देती हूँ। इस तरह फिर ये गंदे भी नहीं होते हैं और हाथ के हाथ ना वॉश भी हो जाते हैं। ये वाला जो कैबिनेट है ना इसके अंदर बस सॉस वगैरह जो होती है ना वही मैंने रखी होती हैं, लाइक बारबेक्यू सॉस, मायोनीज, कैचअप, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बिजली का सॉरी गैस का मीटर लगा हुआ है। उसके बाद ही फिर मुझे क्लीन करना है ये फ्रिज, और अभी हो गया था लेट क्योंकि इसको मैं फिर करूँगी कल, क्योंकि ये गंदा भी काफ़ी हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैंने फिर आज छोड़ दिया था। अभी जी फिर रात का टाइम था, बच्चों को मैंने ब्रश वगैरह करवा लिया था, और छोटे ने जी यहाँ पर अपना एक स्टिचेस जो है ना वो निकाल दिया था, क्योंकि मैं बड़े को ब्रश कर रही थी, इसको आजकल हम ब्रश भी नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि इसका ज़ख्म भी इतना ज़्यादा है कि कहीं दुखे ना, तो इसका बैंडेज उतारा हुआ था कि ज़ख्म ताकि इसका बिल्कुल भी सूख गया था। कल ने हॉस्पिटल जाना था इसके स्टिचेस निकलवाने, तो उसने शायद खारिज किया तो अपना एक जो है ना वो निकाल दिया टांका, तो बस ये फिर उसमें अभी ब्लड भी निकल रहा था, तो मैं उसको साफ करके ना ऊपर बैंडेज लगा रही थी, क्योंकि सोते हुए वैसे भी इसको हम बैंडेज लगा देते हैं, दिन में नहीं लगाते हैं कि सोते हुए कहीं हाथ ना मारे, कहीं जख्म ना दुखे, लेकिन ये तो उसने खुद ही मेरे ख्याल से खारिज किया है तो एक निकाल दिया था। तो बस मैं अभी इसको बैंडेज निकाल रही थी, और अभी इसके रंग खुद के भी उड़े हुए थे, फिर खुद भी डर जाते हैं ना बच्चे, एक तो उसने अपना स्टिचेस पहले खुद निकाला है और फिर मुझे बाथरूम में आके बता भी रहा है ना कि मम्मा भाई हुई हो गई है। तो बस इसको मैं बैंडेज लगा रही थी और साथ साथ ये भी कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ, शायद ठीक है, इसको फिर डर लगा हुआ था कि शायद पता नहीं मुझे फिर से जख्म हो गया है, तो बस इसको मैं बैंडेज लगा रही थी। हम अभी सोने के लिए रेडी थे क्योंकि मैंने भी चेंज कर लिया था, फ्रेश हो गई थी, हाथ मुंह धो के, बस लास्ट में फिर होता है बच्चों को ब्रश करवाना और उसके बाद जो है ना फिर हम सो जाते हैं, तो बस इसको मैंने बैंडेज लगा दिया था। अभी जी फिर नेक्स्ट डे था और हम आ गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि आज इसके स्टिचेस हमने निकलवाने थे, और रात को ही इसने अपना एक स्टिचेस निकाल दिया, और जब सुबह उठा है तो फिर ये जाके लगा है सोफे में, फिर इसने अपना जख्म दुखा दिया, मतलब पूरा सूखा हुआ जख्म एक हफ्ते के बाद इसने फिर से अपना जख्म हरा कर दिया था। अभी जी डॉक्टर का हम वेट कर रहे थे, डॉक्टर बिजी था, और जब डॉक्टर आए थे उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको हम अभी साफ कर देते हैं लेकिन इसके स्टिचेस हम अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि ब्लड काफ़ी निकला हुआ है और अभी इसका जख्म भी जो है ना दोबारा से ताज़ा हो रहा है, तो अभी हम स्टिचेस निकालेंगे, वो अच्छे नहीं हैं इसके लिए, तो आप लोग एक दिन का वेट करें, उसके बाद फिर आएँ, फिर हम चेक करेंगे और फिर इसके स्टिचेस निकालेंगे, क्योंकि 1 वीक के बाद इसके स्टिचेस निकलने थे, तो इसने फिर रात को ज़ख्म कर लिया था अपना,
और बस यहाँ पर बच्चों की जो है ना मस्तियाँ चल रही थी। हम आए थे ईरानी हॉस्पिटल एमरजेंसी में, बहुत ही अच्छा यहाँ का स्टाफ है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से मतलब बात करते हैं, और जल्दी से ही हम आते हैं और जल्दी से फ्री होके चले जाते हैं। इससे पहले हम जितनी बार भी कहीं हॉस्पिटल गए हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कोई पूछता ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं होते हैं, और ये एमरजेंसी में है तो इसलिए यहाँ पर पुलिस भी बैठी होती है, कोई भी एमरजेंसी केस आता है तो उसी टाइम ही ये उनको लेते हैं और उसका जो काम वगैरह होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। अभी जी फिर नेक्स्ट डे था और फाइनली फिर हम शयान के स्टिचेस निकलवाने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का। डॉक्टर तो वैसे जा चुका था, आज हमने किसी और डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि पहले जो हम 3-4 बार आए हैं तो वो एक ही हम डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन आज हम लेट आए थे, वो डॉक्टर जा चुका था। तो यहाँ पर फिर फाइनली शयान के जो स्टिचेस थे ना वो निकाल रहा था। एक तो अच्छा इसने खुद निकाल दिया था, एक इसका पट्टी में खुद ही निकल गया था, बाकी 3 थे तो वो आज हम यहाँ से निकलवा रहे थे। और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, मैं तो इतना दूर खड़े होके ना बस उसकी वीडियो बना रही थी। इसने बिल्कुल भी चू नहीं की थी, आराम से सारे स्टिचेस निकलवा दिए थे। अभी जी हम मेडिकल स्टोर पे आ गए थे, यहाँ से हमने इसकी क्रीम लेनी थी, डॉक्टर ने लिख के दी थी, जो कि इसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद लगानी है कि इसका निशान ना रहे बस जी। उसके बाद फिर रास्ते से हमने इनके लिए शवारमा ले लिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, तो ये दोनों भाई अभी बैठ के खा रहे हैं शवारमा। अभी जी हम मिठू को भी निकालते हैं, ये भी खाना खाएगा, उसके बाद मैं भी डिनर करूँगी और बस जी फिर चले जाएँगे हम सोने के लिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।